हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज के मूवी मंडे मैडनेस में दो मूवी के बारे में बात करेंगे एज ऑलवेज, जो कि तुम्हें फ्री मिल जाएंगी, लिटरली फ्री मिल जाएंगी। एक जियो सिनेमा पे फ्री मिल जाएगी जिसका नाम है डॉन, उसके बारे में बात करेंगे। और एक यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगी जिसमें अपने हैं मुन्ना भैया की मूवी, तो तुम देख ही लोगे। तो पहली मूवी जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है बदनाम गली। हाँ, उसमें एक गली में एक औरत रहती है जो प्रेग्नेंट है और उसकी पूरी गली वाले उसको हिट करते हैं क्योंकि उसके बच्चे के बाप का नहीं पता, इसीलिए पूरी गली उसको हिट करती है और गलत नज़रों से देखती है। पर एक दिन दिव्येंदु अपने गांव से उठ के आता है अपनी बुआ के पास उसी गली में और वो भी सेम करने लग जाता है। उसके बाद जो स्टोरी एलिवेट होती है और पता चलता है हमें कि कहाँ से क्यों आई हैं ये चीज़ें और कैसे हुई हैं। पूरी सीरीज़ में ना तुम्हें दिखेगा कि ये ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा नाटक जैसा बनाया गया, जैसे टिपिकल टीवी सीरीज़ होती हैं वैसे नहीं शूट की गई है। एक वो होता है ना कि देसी टीवी स्टाइल होता है वैसे शूट करी गई है। कुछ कुछ चीज़ें अलग करने की कोशिश करी गई है, कुछ शॉट्स ही बहुत अलग हैं जो शायद से बहुत रेयर देखते हैं लोग, बट है मूवी थोड़ा अलग जाने की कोशिश करती है और ऐसे टॉपिक पे बात करती है जिस पे कोई और नहीं करता, ये सच है। इस टॉपिक पे एक मिमी बनी थी और इसके अलावा मैंने कोई और मूवी नहीं देखी जो इस टॉपिक को छूती भी हो। तो हाँ, मूवी ब्यूटीफुली अपने सब्सटेंस से खेलती है और लास्ट में वो जो रिवील करती है वो परेशानियाँ होती हैं वो समझ आता है। और वो जो थोड़ा नोक जोक वाला उनका प्यार होने लग जाता है जो कि लास्ट तक भी पक्का प्यार नहीं होता बट हो जाते हैं वो कमिटेड, समझ नहीं आया मुझे। बट ठीक है, दुख जो उसको हो रहा था दिव्येंदु के कैरेक्टर को वो थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। तो मूवी मज़ेदार है, वन टाइम वॉच है, यूट्यूब पर फ्री है तो तुम देख लो सकते हो। और मूवी में समझाया जाता है तुम्हें कि कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जिस पर तुम रो भी नहीं पाते, मतलब दुख तुम दुखी हो बट उस दुख को तुम जाहिर भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसा दुख जो होता है इस कैरेक्टर को, अपने दिव्येंदु कैरेक्टर को। पर मूवी की सबसे अच्छी बात है वो अपने सब्सटेंस के साथ ऑनेस्ट है, मतलब चीज़ें सब एक हैप्पी एंडिंग पे चली जाती हैं बट तब भी हमें ये नहीं दिखाया जाता कि बातें रुकी हैं। समाज वैसा ही है, वो तुम चाहे कितने अच्छे भी बन जाओ तब भी तुम्हें ताने या कोसता रह गई। दैट्स द नेचर ऑफ सोसाइटी, तुम्हें पता ही है वो कभी शांत नहीं होंगे, तुम्हारे ऊपर टिप नहीं करना चालू रहेंगी चाहे तुम सबसे ऊपर खड़े हो या सबसे नीचे, चाहे मैं हूँ या राम भगवान, किसी को किसी ने नहीं छोड़ा क्योंकि यही बात है, भगवान और इंसान में कोई फ़र्क कभी रखा ही नहीं है किसी ने। टिप नहीं करने वाले लोग आएंगे अभी मेरे को कमेंट सेक्शन में गाली बकने, वो तो मैं डिलीट कर दूंगा ही ही। तो मूवी यही समझाती है, बातें तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं होगी, कोई ना कोई कर ही रहा होगा तो उन पर ध्यान ही नहीं देना, ठीक है, इग्नोर देम। तो दूसरी मूवी जिस पर मैं जंप ऑफ करना चाहूँगा उसका नाम है डॉन 2022 की मूवी है ये। हाँ, पुरानी क्लासिक मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लासिक तो दो हो चुकी हैं, वैसे तीसरी भी बनने जा रही है, कितने डॉन आएंगे। बट हाँ, ये डॉन वैसा डॉन नहीं है जो शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन सर का था, ये वैसा डॉन नहीं है, ये डॉन है कॉलेज का। और वो कैसे बनता है वो स्टोरी हमें दिखाई जाती है कैरेक्टर की। पर्सनली मैंने ये मूवी डिस्कवर करी रील्स की वजह से, एक सीन है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल सीन है इस पूरी मूवी का जिसपे आंसू निकल जाते हैं इंसान के, अगर तुम थोड़ा भी कनेक्ट कर पाते हो सीन से तो उस सीन की वजह से मैंने पूरी मूवी देखी और पूरी मूवी वर्थ इट रही, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि शुरुआत में मेरे को थोड़ा ये मूवी के वर्थ इट नहीं है बट वो जो लास्ट के 10 मिनट हैं पे ऑफ कर देते हैं पूरी मूवी को। तो हमें प्लॉट दिखाया जाता है चक्रवर्ती मेन कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी कि उसकी लाइफ में उसके पापा उसके लिए विलन है क्योंकि हर चीज़ में वो उससे उल्टा रहते हैं, उसकी पसंद को हमेशा नापसंद कर देते हैं, उसकी बंदी छुड़वा दी, पढ़ाई जो करनी थी वो नहीं करनी थी, मतलब बहुत ही अलग चीज़ें चल रही हैं उनके घर में, ठीक है। उसी से फेड अप होके अब जब उसके पापा ने उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दिया है, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में उसमें डाल दिया है, तो अब वो उसमें अपना छाप छोड़ना चाहता है या चक्रवर्ती ऐसी चीज़ ढूंढना चाहता है जिसको वो ज़िंदगी भर खुशी से कर सके, ना कि ऐसी कोई चीज़ जिसमें वो बंदा रह जाए अपने पापा की वजह से। तो ओरिएंटेशन के दिन ही उसे पता चलता है कि उसके एक टीचर हैं जिनका नाम है भूमि और वो उसको कुछ भी नहीं करने देंगे, लेट आओगे तो डंडे, लड़की से तो बात कर ली तो डंडे, पढ़ाई नहीं करी तो डंडे, और अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा और हर चीज़ जो मैंने पहली चीज़ें बताई उन चीज़ों में भी सेम, ड्रेस नहीं पहनोगे तो भी तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगा और फ़ाइन के लिए हवलदार रखे हुए हैं कुछ और टीचर जिनका ना काम है सिर्फ तुमसे रिश्वत लेना 200-400, क्योंकि तुम भूमि से डरते हो तो तुम उसे रिश्वत दोगे। और कुछ कुछ डायलॉग तो ओवर द टॉप ही हो जाते हैं कि पहले मैं तुम्हें जान तो लूँ, हाँ जान तो लो बट जान मत ले लेना, समझ रहे हो, ऐसे डायलॉग्स हैं। तो अच्छा भी लगता है कि ठीक है क्योंकि लड़का लड़की की बात कर रहे हैं, अगर लौंडा कह रहा होता तो मुक्का मारने का मन करता, ठीक है, तो वहाँ थोड़ी अच्छी भी लगती है, गुड, बट तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा क्रिंजी टाइप में चले जाते हैं बट वो संभाल लेती है उसकी चीज़ें,
क्योंकि शायद से डब किया है ना तो ज्यादा ओवर द टॉप कर दिया, ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ डायलॉग मैच भी नहीं कर रहा उस सिचुएशन से, बट बोले जा रहे हैं। तो अंगकर्णी तो चली गई प्रपोज करके, बट उसके पापा ने, चक्रवर्ती के पापा ने देख लिया दोनों को, और वो ले गए उसको उसके पापा के पास पुलिस स्टेशन में, और बेइज्जती करी धड़ाधड़ धड़ाधड़। इसलिए फिर उसके पापा ने उससे बात करना बंद कर दी। बट मेरे को ये बात बताओ, जो अगर वो एक लड़की से प्यार करती है और उन्हें बताया नहीं, इस चीज़ के बारे में खबर नहीं दी, और किसी और ने उनको आके टोका कि तुम्हारी बेटी ऐसी ऐसी है, तो बुरा लगा। और उसके बाद से वो बात ही नहीं करते कितने 4 साल, भाई 4 साल बात नहीं करी। फिर वो लड़का वापस से उसकी ज़िंदगी में आया और सॉर्ट आउट करी चीज़ें, तो वापस से बात चली गई। बट मुझे ये बताओ, वो लड़की मान कैसे गई? मतलब तूने 4 साल तो ट्रॉमा ले ली है, बात ही नहीं कर रहा, तो कैसे कैसे चल रही थी ज़िंदगी? और तुमने ऐसी मना ली, उसने मना दिया तो तुम वापस आ गई, नॉट गुड। ये थोड़ा इलॉजिकल था। तो मूवी में ये सीन ऐसा लगता है कि जिसने प्रॉब्लम दी उसी ने सॉल्व कर दिया और खुश हो रहे हैं लोग। क्यों भाई, उसने सॉल्व कर दिया 4 साल बाद, क्या खुशी की बात है इसमें? और लास्ट में जो बैचमेट फाइट होती है वो बहुत तगड़ी लगती है, मतलब हाँ वहाँ मूवी हाइप करती है धीरे धीरे कि वो हाई पॉइंट आने वाला है ऐसा। और चक्रवर्ती का परसेप्शन अबाउट भूमि चेंज हो जाता है एंड ऑफ द मूवी, जो कि तुम्हें पता ही है कि ऐसी फन मूवी में होना ही था। बुरी बात ये नहीं कि उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है, सच ये है कि हर किसी बच्चे का चेंज हो जाता है। मैं भी पर्सनली अपने एक टीचर हैं, तुम्हें बताना चाहिए कि नहीं, हाँ मेरा स्कूल से कनेक्शन नहीं है, तो मेरे को मेरा प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं पसंद था दूसरे स्कूल का। बट जब भाई लास्ट स्पीच चल रही थी और वो ठीक है, मैं बच्चों के सामने रोना नहीं चाहता था, बट हाँ दुख तो हो रहा था, या एक आंसू आ भी गया था, पता नहीं भाई, दोस्तों में नहीं दिखाता मैं, सॉरी। ठीक है, तो वो वाला हिट करा था मेरे को एक टाइम पे। पर हाँ, जैसे वो दिखाया कि भूमि और चक्रवर्ती का लास्ट में इंटरेक्शन, लास्ट इंटरेक्शन, और वो कहता है चल जा, वैसे ही वाला सीन, हम उस सिचुएशन को आगे फेस करके बढ़ाए, क्योंकि लौंडे नहीं रोते। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, इमोशन पीक कर जाते हैं लास्ट के 10 मिनट में, बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल ज़्यादा हिट करेगी अगर तुम्हारा बॉन्ड सेम बॉन्ड है उस फैमिली मेम्बर से जो मूवी में दिखाया गया। और अगर ऐसा है तो गाइज जस्ट गो एंड हग योर पेरेंट्स, बिकॉज पता नहीं कब आखिरी समय हो, वी डोंट नो, ये सच है। तो एकदम से रैंडमली मत करना, बट तुम समझ रहे हो मैंने कर रखा है, तो थोड़ा होता है कभी कभार। मेरा ऐसा था कि मैं कॉलेज में सिलेक्ट हो गया था क्योंकि मैं बहुत दिनों से पैर मार रहा था और कुछ नहीं हो रहा था, और फिर मैं एक दिन लास्ट में हक करा उनको बताते हुए कि यस आई गॉट द कॉलेज, बट अब मैं रो रहा हूँ क्योंकि कॉलेज छूट गया है। तो कुछ लाइन मैंने लिखी कि बाप के आसमान ने पाला है तुम्हें, तुम्हें अभी धूप लगी नहीं है, तुम्हें लगता है छाँव है दुनिया में बहुत, बट अभी छत से चादर बाप की हटी नहीं। ये लाइन्स लिखी थी मैंने, तो मैंने बोल दी, वैसे एट द मोमेंट बोली है। तो इस वीडियो को करते हैं एंड, और अपने अपने लाइफ के उस गोल को ढूंढने लग जाओ लॉन्डो, जो कि तुम्हें पता है कि तुम जिंदगी भर भी करते रहोगे तो दुख नहीं होगा, थकोगे नहीं तुम, उसमें मजा आएगा तुम्हें, तुम अगले दिन भी उठोगे और तुम एक नई फ्रेशनेस के साथ वही काम करोगे जो बार बार तुम्हें पसंद है। ये पीछे की आवाज़ जैसे मेरे को परेशान करती है, बट मैं बोलता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है भाई ये करना सामने आके। मुझे पता है यहाँ, पता है आसपास में कुछ नहीं होता है, बट मैं इस कैमरे में देख के बकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो चार लोग हैं इस वीडियो को देखने वाले, जो एक दिन 400 करोड़ भी हो सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर है, बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसा वाइड रेंज ऑफ लोग हैं जो हो सकते हैं कभी, उस उम्मीद के साथ कि मेरी एक उम्मीद की किरण तुम में आग जला दे। तो उसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो गया मैं आज के लिए, बाय बाय, और मिलता हूँ अगली वीडियो में। सुपर सैटरडे स्पॉटलाइट्स नहीं देखा तो एपिसोड आ चुका है, यहाँ क्लिक करके देख लेना, तब तक के लिए बाय बाय। भाई अपने सपनों को चेज कर लौंडो, कुछ नहीं बचेगा लास्ट में, ठीक है, बाय बाय।